जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपना एप्पल आईडी या आई क्लाउड अकाउंट परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे आप अपने एप्पल आईडी यानी कि आई क्लाउड अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं। तो अकाउंट डिलीट करने से पहले आप अपने जितने डिवाइस पे आपके एप्पल आईडी को साइन इन करके रखे हैं सभी से साइन आउट ज़रूर कर लीजिए। तो डिलीट करने के लिए आपको चले जाना है आपके आईफोन के ब्राउज़र पे और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है privacy.apple.com। अगर आप यही एप्पल आईडी डिलीट करना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू विद पासवर्ड पे टैप करना है। अगर आप दूसरा कोई एप्पल आईडी डिलीट करना चाहते हैं तो नीचे यूज़ ए डिफरेंट एप्पल आईडी पे टैप करना है। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू विद पासवर्ड पे टैप कर देंगे क्योंकि हम यही वाला आईडी डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर लेंगे। तो ये सर्च करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस आ जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ से आपके डेटा का एक कॉपी भी ले सकते हैं और आपका डेटा का एक कॉपी डायरेक्टली आपके दूसरे एप्पल आईडी पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ से नीचे जाएंगे स्क्रॉल करके। आप चाहे तो डिलीट करने से पहले दोबारा सोच सकते हैं और आपके एप्पल आईडी को डीएक्टिव भी करके रख सकते हैं, वो भी टेम्पररीली, लेकिन हम आपको इसे परमानेंटली डिलीट करना दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमें रिक्वेस्ट टू डिलीट योर अकाउंट पर टैप करना है। तो जैसे ही आप वहाँ पे टैप करेंगे आपके सामने बहुत सारे लिखा दिखाई देंगे। ये हैं आपके अकाउंट जब डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद क्या हो सकते हैं, जैसे कि आपके अकाउंट के सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे, आपके सारे सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएंगे, यही वाला यहाँ पे डिटेल्स पे लिखा है। तो एक बार ये ध्यान से पढ़ लीजिए और यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आ जाए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आपके एप्पल आईडी डिलीट करने की एक रीज़न सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे कोई भी एक चूज़ कर लेते हैं। अब हम कंटिन्यू कर देंगे। तो यहाँ पे भी आपको डिलीट करने से पहले बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दिखाए जाएंगे। आप यहाँ पे इसे पढ़ना ज़रूरी हो सकते हैं, आप चाहे तो पढ़ ले सकते हैं। फिर से नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। तो ये है अकाउंट डिलीट करने की टर्म्स एंड कंडीशन। अगर आप इनके साथ एग्री करते हैं तो नीचे आपको चेक मार्क कर देना है और फिर से यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। यहाँ पे ऑप्शंस चूज़ करने से आप जब अपने अकाउंट परमानेंटली डिलीट कर देंगे, आपके अकाउंट एक्चुअल पे डिलीट हुए कि नहीं इसके रिलेटेड मैसेजेस आपको एप्पल आपके दिए हुए फ़ोन नंबर या फिर ईमेल एड्रेस पे आपको इन्फॉर्मेशन पहुँचा देंगे। यहाँ पे हम फ़ोन नंबर यूज़ करेंगे। अब हम कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारे सामने एक वेरिफिकेशन कोड दिखाई देंगे। इसके द्वारा एप्पल ये इंश्योर करेंगे कि आप खुद ही आपके अकाउंट डिलीट कर रहे हैं। आप चाहे तो इसे कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसे प्रिंट भी कर सकते हैं क्योंकि बाद में आपको इस कोड की ज़रूरत पड़ सकते हैं। और सबसे आसान काम, इसे आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। अब हम कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर हमें कोड को डालना है। कोड डालने के बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। अब आपके सामने अकाउंट डिलीट करने की एक डिलीट प्रॉम्प्ट दिख जाएंगे। आपको यहाँ पर डिलीट अकाउंट पर टैप करना है अगर आप आपके अकाउंट डिलीशन के बारे में कन्फर्म्ड है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे वी आर वर्किंग ऑन डिलीटिंग योर अकाउंट, मतलब कि अकाउंट डिलीट होने का प्रोसेसिंग शुरू हो चुके हैं। हमें यहाँ पे नीचे से बस साइन आउट कर लेना है। तो यहाँ पे हमारे अकाउंट साइन आउट हो चुके हैं। तो आपके अकाउंट डिलीशन कन्फर्म करने के लिए आप फिर से आपके एप्पल आईडी पे ब्राउज़र पे लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद आपके सामने ऐसे प्रॉम्प्ट दिखाई देंगे, योर अकाउंट इज़ करेंटली बीइंग डिलीटेड। तो जब भी आपके अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाएंगे आपको एप्पल से एक मैसेज मिल जाएंगे कि आपके अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं हमारे ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे होंगे। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।